सर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो है तो लोग वैक्सीनेशन सर करवा रहे हैं जो, तो वो जो करवाना चाहते हैं सर वो कैसी स्लॉट बुक करेंगे? जैसे वैक्सीनेशन आज लग रहा है 10 तारीख को, ठीक ना, तो उसके एक दिन पहले और दोपहर 12 बजे में स्लॉट खुलता है, उसी टाइम पे कोविन ऐप में जाएं या covin.in.gov में जाएं, उसमें या फिर आरोग्य सेतु में जाएं, किसी भी उसमें गूगल में सर्च करके और सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद 12 बजे स्लॉट खुलता है दोपहर में, तो जिस दिन लगना होता है वैक्सीन उसके एक दिन पहले 12 बजे दोपहर में स्लॉट को बुक कर लें। एक दो मिनट के अंदर, आजकल के तो सभी नवयुवक हैं, सभी लोग जल्दी से स्लॉट बुक कर लेते हैं, दो तीन मिनट के अंदर अंदर 100 के 100 स्लॉट बुक हो जाते हैं। अभी CMHO सर द्वारा अभी जहां तक है तो 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा कोवैक्सीन का 12 तारीख से अभी चल रहा है, और 160 लोगों का कोविशील्ड लगने वाला है 12 तारीख से ही, टोटल 360 तो लगेगा ही वैक्सीन सभी को 12 तारीख से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब सभी को स्लॉट बुक करने में आसानी हो जाएगी। स्लॉट बुक करने के लिए बस यही है कि जिस दिन सेशन लगे, जिस दिन वैक्सीनेशन हो उसके एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से ही स्लॉट ओपन हो जाता है, उसी समय 5 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग बुक करते हैं, उसी समय 12:05 से 10 मिनट के बीच में सभी लोग अपना स्लॉट बुक कर लें जी, तो वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो जाएगा जी। सर मैं ये चाह रहा था कि जनता कहीं ना कहीं सर ये कहती है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, लोग जो है तो डर रहे हैं इससे, तो उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने भी लगवाया है, हम लोगों ने 2 डोज लगवा चुका, अभी तो हम लोगों को ऐसी कोई शिकायत कंप्लेंट कुछ भी नहीं आया है, और जो लोग भी लगवा रहे हैं अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। वैक्सीन लगवाने के बाद देखिए ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन लगवा लिए हमें कोरोना नहीं होगा, तो देखिए ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। जैसे हम गाड़ियों में टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट तो लगाते हैं जी। तो हेलमेट लगाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, क्या हम एक्सीडेंट नहीं होंगे उससे? एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन हमारे बचाव जो सुरक्षा है वो हेलमेट तो करेगी ना। उसी तरह से ये जो वैक्सीन है उसी तरह से सुरक्षा कवच के रूप में आपको जो भी गाइडलाइन है COVID-19 के जो भी प्रोटोकॉल हैं उसके सारे रूल्स को फॉलो करें वैक्सीन लगवाने के बाद भी जी। और ये देखा गया है कि अभी जो आंकड़े देखे गए हैं अभी तक के तो डेथ में तो ज़्यादा कम से कम लोग मतलब इससे हो रहे हैं पॉजिटिव होने के बाद भी, जब लोग पॉजिटिव हो जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद और उनको अगर दोनों डोज लग गया है तो डेथ की जो रिकवरी है बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं इससे, ये देखा जा रहा है अधिकतर, मतलब यही आंकड़े देखे जा रहे हैं हर जिलों में, राज्यों में, हर जगह जहाँ जहाँ लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं, इसी ये चीज़ें हो रही हैं। डरना नहीं चाहिए, देखिए सुरक्षित है बिल्कुल। ये सर कि अभी तक जो है तो वैक्सीनेशन कितने लोगों ने सुबह से अभी तक करवाया है? अभी तो हमारे यहाँ क्रमांक 1 में 18 साल से ऊपर वाले 63 लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं सुबह से जी जी अभी तक जी। सर ये बताइए 5 तारीख से जब से स्टार्ट हुआ तभी तक लगभग कितने युवाओं का वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ इसका डिटेल आप रखते हैं सर? बिल्कुल सर, फर्स्ट डे जब लगा था 5 मई को, उस दिन 92 के अब समथिंग लोग लगाए थे, कन्फर्म है लगवाए थे, 92 लोग ही लगवाए थे। इसके बाद थोड़ा सा संख्या कम हो गई, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फिर उनको कंप्लेन आती है कि वीकनेस हो रही है, हमने फ़ोन भी लगवाया, जैसे एंडिंग टाइम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि जो लोग वैक्सीन करवा लिए हैं वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, अलर्ट बुक करवा लिए हैं, उनके लिए हम फ़ोन भी लगवाते हैं, तो उनसे ये जानकारी मिली कुछ लोगों से कि वीकनेस हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको हम लोग खुद एडवाइस देते हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अलर्ट बुक कीजिएगा तो आपको वैक्सीन लग जाएगी। बाकी जो अलर्ट बुक कर रहे हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए, देखिए है ना, जिससे कि हमें सभी लोग जो लगवाना चाह रहे हैं सभी लोग लगवा सकें वैक्सीन, ऐसा नहीं कि अलॉट बुक करने के बाद लोग ना लगवाएं, ऐसे क्या होता है अलॉट फुल हो जाता है जिससे जो लगवाना चाह रहे हैं वो भी नहीं लगवा पा रहे हैं जी। जिस डेट पे अलॉट बुक हो रहा है उस डेट पे वैक्सीनेशन हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करके वैक्सीनेट कर देते हैं हम, इसके बाद वैक्सीनेट लग जाती है जी। ठीक है, थैंक।